अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टेलीप्राइम में लेजर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और लेजर में रहते हुए ट्रांजैक्शन से संबंधित क्या काम किए जा सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपने जाना था कि लेजर क्या है और टैली में लेजर कैसे देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि लेजर को कॉन्फ़िगर करके किस तरह से देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम कैश का लेजर ओपन कर लेते हैं। अब F2 की प्रेस करके पीरियड चेंज कर लेते हैं। अब लेजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए F12 प्रेस कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में अनेक ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अच्छे से सीखने समझने के लिए इन ऑप्शंस में से एक एक को यस या नो करके और जिन ऑप्शंस में सब ऑप्शंस हैं उनमें से भी एक एक को सिलेक्ट करके ट्राई करना चाहिए। ऐसे करने से आपको ये ज्ञात होगा कि कौन से ऑप्शन का रिपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी हम शो नरेशंस को यस कर रहे हैं और इसके बाद फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल ही रहने दे रहे हैं और बाकी सभी ऑप्शंस को यस कर रहे हैं। सबसे आखिर में आप शो रनिंग बैलेंस लिखा देख रहे हैं, हम इसको भी यस कर रहे हैं। इस ऑप्शन को यस करने से लेजर में हर वाउचर एंट्री के बाद लेजर का जो बैलेंस होता है वो दिखाई पड़ता है। चलिए अब इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए अभी हमने जो भी चेंजेस किए थे उनका प्रभाव आप यहाँ देख सकते हैं। अब यदि आप कोई दूसरा लेजर देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करें और लिस्ट ऑफ लेजर्स में से वो लेजर सिलेक्ट करें। हम सेल्स अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए सेल्स का लेजर आ गया है। यहाँ यदि आप किसी वाउचर को देखना चाहते हैं या उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब ये देखिए वाउचर ओपन हो गया है। यदि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने डे बुक वाली वीडियो में बताया था आप उस प्रकार से वो चेंजेस कर सकते हैं। अब हम एस्केप की सहायता से बाहर आ रहे हैं। यहाँ राइट साइड बटन बार में आप बहुत से ऑप्शंस देख सकते हैं। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने गेटवे ऑफ टैली पर दो कंपनीज ओपन की थी। यदि आप किसी भी कारण से दूसरी कंपनी का भी सेल्स लेजर देखना चाहते हैं, F3 प्रेस करके दूसरी कंपनी सिलेक्ट कर लें। ये देखिए दूसरी कंपनी का सेल्स लेजर दिखाई दे रहा है। हम फिर से F3 प्रेस करके पहले वाली कंपनी पर वापस चलते हैं। अभी हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये प्रतिदिन के हिसाब से है। यदि आप इसकी मंथली समरी चाहते हैं तो F6 प्रेस करें। ये देखिए समरी महीनों के अनुसार आ रही है। अब इससे बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस करें। अब यदि आप इस लेजर को रजिस्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो F8 प्रेस करें और जो प्रोसेस हमने आपको डेबुक में बताई थी वो दोहरा लें। यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि हमने डे बुक पार्ट 3 वाली वीडियो में जो शॉर्टकट्स बताए थे जिनकी लिस्ट हम यहाँ पर भी दे रहे हैं वो सभी यहाँ भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह से डे बुक में करते हैं। किसी वाउचर को अल्टर करने के लिए उस पर जाकर एंटर प्रेस करें, वो वाउचर ओपन हो जाएगा। आप अपनी जरूरत के अनुसार उसमें चेंजेस करके उसे एक्सेप्ट कर लें। किसी वाउचर को डिलीट करने के लिए उस वाउचर पर जाकर अल्टर और डी प्रेस करें और फिर एंटर प्रेस करें। किसी वाउचर को कैंसिल करने के लिए उस वाउचर पर जाकर अल्टर और एक्स प्रेस करें और फिर एंटर प्रेस करें। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि जब हम डेबुक में किसी वाउचर को कैंसिल करते हैं तो वो कैंसल्ड वाउचर डेबुक में तो दिखाई पड़ता रहता है पर जब हम लेजर में किसी वाउचर को कैंसिल करते हैं तो वो लेजर में से चला जाता है यानी दिखाई नहीं पड़ता है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डे बुक में जाकर देख सकते हैं।
किसी भी वाउचर के बाद उसी प्रकार का अगले नंबर का वाउचर बनाने के लिए उस पर जाकर ऑल्टर और ए कीज प्रेस करें, या फिर किसी भी प्रकार का नया वाउचर लाने के लिए यानी एड वाउचर के लिए ऑल्टर और ए प्रेस करें। किसी वाउचर का डुप्लीकेट बनाने के लिए उस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और टू प्रेस करें। किसी निश्चित वाउचर नंबर के स्थान पर उसी नंबर का उसी टाइप का नया वाउचर बनाने के लिए यानी इंसर्ट वाउचर के लिए उस वाउचर पर जाकर ऑल्टर और आई प्रेस करें। किसी वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए उस पर जाकर स्पेस बार प्रेस करें। सिलेक्टेड वाउचर्स को डी सिलेक्ट करने के लिए पुनः उस पर जाकर स्पेस बार प्रेस करें। और यदि आपने बहुत से वाउचर सिलेक्ट किए हुए हैं तो उन्हें एक साथ डी सिलेक्ट करने के लिए स्केप की प्रेस करें। दिखाई पड़ रहे सभी वाउचर्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करें। सिलेक्टेड वाउचर्स को एक साथ डी सिलेक्ट करने के लिए फिर से कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करें या स्केप की प्रेस करें। कुछ शॉर्टकट्स ऐसे भी हैं जो हमने आपको डे बुक में नहीं बताए थे, वो यहाँ बता रहे हैं। ध्यान रखें, ये लेजर की तरह ही डे बुक में भी समान रूप से उपयोगी है। सेल्स अकाउंट में आप तीन तरह के वाउचर्स देख रहे हैं, एक कैश, दूसरा बैंक और तीसरे टाइप के वाउचर्स हैं हमारे कस्टमर्स के नाम के। अब यदि हम इनमें से किसी एक ही तरह के वाउचर्स देखना चाहते हैं, जैसे हम सिर्फ कैश के वाउचर्स देखना चाहते हैं, तो बाकी वाउचर्स यहां से हटाना होंगे। जिस वाउचर को हटाना चाहते हैं उस पर जाकर उसे रिमूव करने के लिए कंट्रोल और आर प्रेस करें। ऐसे करते ही वो वाउचर स्क्रीन से हट जाएगा। ध्यान रखें, ये वाउचर डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ हाइड हो गया है, यानी अभी ये छुप गया है। इसी तरह हम दूसरे वाउचर्स भी हाइड कर देंगे। देखिए, अब यहाँ सिर्फ कैश के वाउचर्स ही दिखाई पड़ रहे हैं और नीचे यहाँ उनकी टोटल भी दिखाई पड़ रही है। अब यदि आप हाइड किए गए वाउचर्स को एक एक करके वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल और यू प्रेस करके ला सकते हैं। और यदि आप सभी हाइड किए गए वाउचर्स को एक साथ वापस लाना चाहते हैं तो ऑल्टर और यू कीज को प्रेस करें। इसके पहले डे बुक वाली वीडियो में हम आपको एड वाउचर का उपयोग बता चुके हैं, वो यहाँ भी काफी काम आता है। जैसे हमारा कस्टमर बालाजी ट्रेडर्स आया और उसने पूछा कि मुझे कितना रुपया आपको देना है। अब यदि हम चाहें तो F4 प्रेस करके बालाजी ट्रेडर्स का लेजर ओपन कर सकते हैं, पर अभी हमने जो सेल्स अकाउंट ओपन किया हुआ है और उसमें हमें कुछ काम करना बाकी है, तो हम गो टू में जाकर लेजर वाउचर्स के द्वारा बालाजी ट्रेडर्स का लेजर ओपन कर लेते हैं। लेजर ओपन करने के बाद वर्ष के प्रारंभ से लेकर हमने जहां तक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं उस तारीख तक के पीरियड का लेजर देखने के लिए F2 की प्रेस करके फ्रॉम और टू दोनों जगह स्पेस बार और फिर एंटर प्रेस करके तारीख हटा देंगे। फिर बैलेंस देखकर हमने कस्टमर से कहा कि 5 लाख रुपए लेना है। उसने कहा ये नकद रुपए लो और रसीद बना दो। तो चलिए हम यहीं पर रसीद बना देते हैं। उसके लिए पहले ऑल्टर और ए कीज को प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। रिसीट वाउचर के लिए F6 प्रेस करें, F2 प्रेस करके आज की डेट डाल दें, CR में पार्टी नेम सिलेक्ट करें। ऐसा करते ही करंट बैलेंस में हमें कस्टमर से जो अमाउंट लेना है वो दिखाई पड़ रहा है। अमाउंट डालें। अमाउंट डालकर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखिए पहले जो बैलेंस दिखाई पड़ रहा था वो अब चेंज हो गया है। DR में हम कैश सिलेक्ट कर रहे हैं। अब नरेशन डालें और एक्सेप्ट कर लें। अभी हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है अगर वो पार्टी के लेजर में दिखाई पड़ रहा हो तो ठीक,
और यदि दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो लेजर का पीरियड चेंज करके आखिरी ट्रांजेक्शन तक का पीरियड सिलेक्ट कर लें। ऐसा करते ही हमने जो रिसीट वाउचर बनाया होगा वो दिखाई पड़ने लगेगा, उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए हमने जो वाउचर बनाया था वो दिखाई पड़ रहा है। अब यदि आपको कस्टमर को रसीद का प्रिंट देना है तो वो प्रिंट ऑप्शन की सहायता से निकाल सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए अब हम रेंट अकाउंट में ये देखना चाहते हैं कि हमने अपने ऑफिस का रेंट कब तक का दिया हुआ है, और उसके साथ ही हम अगले माह के रेंट की एंट्री भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले हम F4 प्रेस करके रेंट अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर Alter और F2 प्रेस करके वर्ष के शुरुआत से लेकर आखिरी ट्रांजेक्शन तक के लिए फ्रॉम और टू में जो तारीख है उसे स्पेस बार और एंटर प्रेस करके तारीख हटा देंगे। अब आखिरी वाउचर पर जाकर Alter और टू प्रेस करेंगे, इसे ये होगा कि हमारे आखिरी वाउचर की डुप्लीकेट आ जाएगी, जिससे हमें दो लाभ होंगे। पहला, यहाँ हमने जो आखिरी रेंट दिया है वो दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा हमें डुप्लीकेट वाउचर मिल गया है जिसमें हम जरूरी चेंजेस करके नया वाउचर बना लेंगे। यह हमने जरूरी चेंजेस कर दिए हैं, अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम लेजर पर रहते हुए किसी भी वाउचर का डुप्लीकेट बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि हमने सेल्स अकाउंट का लेजर ओपन किया हुआ था और हम उस पर कुछ काम करने वाले थे, पर इसी बीच कुछ दूसरे काम आ गए जिन्हें हमने बगैर सेल्स अकाउंट बंद किए गो टू की सहायता से दूसरे लेजर ओपन करके कर लिया है। अब हम वापस एस्केप की प्रेस करके सेल्स अकाउंट पर चलते हैं। और उसमें जो भी काम बाकी था वो कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि लेजर में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और लेजर में रहते हुए ट्रांजैक्शंस से संबंधित क्या काम किए जा सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको इन्वेंटरी बुक्स के अंतर्गत आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स स्टॉक आइटम समरी के बारे में बताएंगे।